ये मुझे रात के 9 बजे लेके जा रहे हैं करवा चौथ की जो बची कुची थोड़ी बहुत खरीदारी है। मेरे हाथों में अभी तक मेहंदी नहीं लगी, कल है करवा चौथ और मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी है। एक्चुअली इनकी थी मीटिंग, तो ये ऑफिस से आए, फिर इन्होंने मीटिंग अटेंड की, मीटिंग इनकी 8:30 बजे ख़त्म हुई, फिर हम लोग फटाख से निकले। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। देखते हैं मेहंदी वाले वैसे मिल जाएंगे और बाकी का वहाँ जाके देखते हैं। और ये देखो बाहर ट्रैफिक लगा हुआ है, अच्छी सी लाइट नहीं आ रही है कैमरे में। वाले मार्केट में हम जब भी आते हैं यहाँ से समोसे जरूर खा के जाते हैं, क्योंकि इसके समोसे ना बहुत टेस्टी लगते हैं। रुद्रांश के पापा जब भी आते हैं ना वो भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने समोसे खाए, रुद्रांश के पापा ने एक खाए बट मैंने 2 खाए। और यहाँ से समोसे खाने के बाद फिर हम लोग इतना लेट हो गए थे कि घर जाकर खाने का टाइम ही नहीं मिल पाया, खाना मतलब मैंने नहीं खा पाया, रुद्रांश एंड रुद्रांश के पापा दोनों ने खा लिया था। और फाइनली यहाँ पता इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो मुझे 1-2 घंटे बाद मतलब मुझे वेट करना पड़ा, उसके बाद फिर ये मुझे मिली। फिर मैंने यहाँ पे मैंने मेहंदी लगवाई। करो दिमाग, ओके मेरे हाथों में लग गई है फाइनली मेहंदी और हम लोग आ गए घर। काफी लेट हो गया है मेहंदी के चक्कर में। और ये देखो मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग गई है, इसमें थोड़ी सी ऐसी लगा दी फटाफट से क्योंकि लेट हो रहा था ना, तो इस वाले हाथ में आगे तरफ अरेलियाँ लगी हुई है और बाकी थोड़ी ये इधर भी थोड़ी खाली, मतलब ये डिजाइन इस तरीके का है। तो दोनों हाथों में लग गई, अभी मैं चेंज करती हूँ एंड सोते हैं, सुबह उठना है। और इन दोनों ने खाना खा लिया है और मैं थोड़ा सा बाहर से खा के आई थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8:30। अभी रुद्रांश गया है स्कूल, रुद्रांश के पापा गए हुए हैं छोड़ने के लिए। आज है करवा चौथ और ये देखो कल जो मैंने मेहंदी लगवाई हुई थी उसका कलर कितना अच्छा आ गया है। ज़्यादा अच्छा डिजाइन तो नहीं है क्योंकि मैंने फटाफट से लगवाई थी ना, इतना टाइम ही नहीं था। सो ये मेरी मेहंदी है, कलर काफ़ी अच्छा आया है। और अभी चलिए मॉर्निंग का टाइम है, ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं एंड ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। काम बहुत सारा है, घर का काम निपटाना है, फिर उसके बाद हमारा चलेगा सजना सवरना एंड खाना वगैरह बनाएंगे, है ना। ब्लॉग में बने रहिए एंड मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ बारिश हो जा रही बट आज मौसम ठीक है। देखते हैं चांद कितने टाइम पर निकलेगा और फिर बस पूजा वगैरह करेंगे। और ये देखो आज धूप भी निकली हुई है तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये कुछ कपड़े पड़े हुए हैं बेड पे जिनको भी मुझे फोल्ड करके रखना है क्योंकि ये वॉश किए हुए थे ना। रुद्रांश को मैंने ब्रेकफास्ट में बना के दे दिया है आज हलवा, सिर्फ रुद्रांश ही खाएगा, रुद्रांश के पापा नहीं खाते हैं मीठा, तो अभी मैं उनके लिए कुछ और बनाती हूँ एंड मैं तो आज कुछ भी नहीं लूँगी। और हमारे यहाँ जब फास्ट रखा जाता है ना तो सुबह में सर्गी वगैरह भी नहीं लेते हैं, रात से ही हमारा फास्ट स्टार्ट हो जाता है। सो रात से ही स्टार्ट हो गया एंड बस जब चांद निकलेगा चांद की पूजा करेंगे उसके बाद ही फिर हम खा सकते हैं। ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। और होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करते जाना, शेयर करते जाना एंड चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। एंड मेरी मेहंदी देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, कलर काफ़ी अच्छा आया है। बाकी डिजाइन को इग्नोर करना, जिसने मुझे लगाई है उसको ज़्यादा अच्छा लगाना नहीं आता था बट इतना टाइम नहीं था ना तो सोचा इधर उधर भटकने से अच्छा है कि लगवा लें। और फेस्टिवल टाइम पे आप ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रश रहता है ना इसीलिए। सो अभी हम लोग आए हुए हैं रुद्रांश को स्कूल से लेने के लिए और ये चले गए हैं रुद्रांश को लेने के लिए। और मुझे थोड़ा सा सामान भी लेना था पूजा का, जैसे कि फूल वगैरह है ना, तो सोचा दोनों काम हो जाएंगे साथ के साथ, रुद्रांश को भी लेवा लाएंगे स्कूल से एंड फूल वगैरह भी ले आएंगे और 1-2 चीज़ें और हैं वो भी कर ले लेंगे। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, ये देखो इस तरीके से मैंने ये सूट पहना हुआ है एकदम पिंक कलर का, बस हुआ नहीं वाला है, दिखाती हूँ उसका रिएक्शन देखना कैसा है वो। क्योंकि लेट हो रहे। अच्छा हेलो बोल दो, इधर हेलो तो बोल दो। खेलो घर जाके कौन खेलेगा फिर।
हमने मंडी से फूल तो ले लिए हैं, इन दोनों को पीना है नारियल पानी। ये देखो यहाँ कोकोनट वाटर पियेंगे। ये दोनों स्ट्रॉ से पी रहे हो साथ में? पानी पी लिया है, अब इसकी मलाई खाएंगे। क्या हो रहा है पीछे? मैं अपने बैग को सील के बाल तो पाला हूँ। अपने वाले को पांच सौ रखे जा रहे हैं सूरज देवता को देने के लिए। ये हमारे अपार्टमेंट की सारी लेडीज पार्टी है, जिन जिन का आज करवा चौथ का फास्ट था, सो सबने साथ में मिलके पूजा की एंड हम सबने साथ में मिलके कथा वगैरह सुनी। सो अभी ऊपर आए हुए थे, ऊपर हम सूरज भगवान को अर्घ देने के लिए, और यहाँ पे थोड़ी मस्ती भी हो गई एंड फोटो सेशन भी हो गया। अभी हम लोगों ने यहाँ सूरज देवता को जल अर्पण कर दिया, अभी जाएंगे हम नीचे। बच्चों को देखो, बच्चे फुल मजे ले रहे हैं, टंकी का पानी फैल गया। हेलो, हाय कर दो। हाय चल, अब जाते हैं नीचे। थोड़ा सा मीठे में बना लेते हैं, क्योंकि जब फास्ट खोलेंगे ना तो थोड़ा सा मीठे के साथ ही खोलते हैं ना। तो मैं मार्केट से कुछ भी लेके नहीं आई, क्योंकि वैसे भी मार्केट में मिठाइयाँ सही नहीं आती हैं, और ऊपर से सबकी अभी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रखी है, मतलब कफ वगैरह हो रखा है। तो मैंने सोचा बाहर लाने से अच्छा है घर पे ही बनाऊं मैं, तो कुछ अच्छा सा बनाने वाली हूँ एंड बहुत जल्दी एंड क्विक बन जाएगा। ये है काजू, जिसकी मैं बनाने वाली हूँ काजू कतली। कोई भी एक कप या एक कटोरी से मेजरमेंट कर लेंगे हम। कप से मेजरमेंट करने वाली हूँ, इस कप से मैं दो कप काजू लूंगी। दो कप या दो कटोरी, जिस भी ग्लास से आप या कप कटोरी से मेजरमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये मैंने एक कप ले लिया है, मैं जार में डाल दूंगी। ये मैंने दूसरा कप ले लिया है, तो बस यहाँ पे मैं दो कप काजू लूंगी। सो ये मेरे पास दो कप काजू है, इसको मैं बिल्कुल बारीक पीस लेती हूँ एंड उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। काजू को मैंने बिल्कुल एकदम बारीक पीस लिया है, इसमें अभी बिल्कुल भी जो बड़े बड़े पीस रहते वो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अच्छे से पीस लिया। अगर इसमें थोड़े से टुकड़े रहते हैं ना तो आप इसको छान भी सकते हो, बट मैं अभी इसको छानने वाली नहीं हूँ, मैं इसको डायरेक्ट बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से पीसा है मिक्सी में। और यहाँ पे मैंने दो कप काजू लिया हुआ था ना, तो दो कप के हिसाब से मैं इसमें एक कप चीनी डाल के इसकी चाशनी तैयार करूंगी। जो मैं पानी डालूंगी ना, तो इसमें आधा कप पानी ऐड करूंगी, तो ये हमारी परफेक्ट चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। आधा कप मैंने इसमें पानी दे दिया है, अभी इसको पकने देते हैं जब तक इसकी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है। और जैसे ही चीनी मेल्ट होगी उसके बाद हम अपना ये काजू का जो पाउडर बना के रखा हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चाशनी में मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, अभी इसमें ये काजू का पाउडर डालूंगी। मैंने चाशनी में काजू को डालने के बाद थोड़ी देर उसको चलाया एंड उसके बाद पन्नी पे मैंने थोड़ा सा घी लगा के इस पे फैला दिया है। अभी ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा सा हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से कर लेती हूँ, जैसे लोई टाइप की बन जाएगी, और उसके बाद फिर मैं बेलन से इसको बेल लूंगी। तो मैं ये रख देती हूँ, इसको मैंने बिल्कुल पतला सा बेल लिया है, अभी इसको हम कट कर लेंगे। काजू कतली को कट कर लिया, और ये देखिए इस तरीके की हमारी कतली बन गई है। ये साइड साइड वाली को इग्नोर करना, और ये देखिए इसी तरीके की मिलती है ना मार्केट में, और ये ब्लैक ब्लैक आप लोगों को इलायची दिख रही होगी। अच्छा, तो हमारा बन गया है, ये देखिए कितनी अच्छी बन गई ना हमारी काजू कतली। सो काजू कतली बन गई है, मैंने उसको डिब्बे में रख दी। आप सोच रही हूँ किचन में आई हूँ तो खाना भी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है, अभी 3 बज रहे हैं। खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी, क्योंकि मैंने जमाया था दही, तो दही बिल्कुल जम गया अच्छे से और ना काफी खट्टा हो रहा है, तो कढ़ी भी हमारी खट्टी बनने वाली है। कढ़ी में भी छौंक लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ना रेडी होंगे, पूजा करेंगे और बस आराम से अच्छा सा टाइम मिल जाएगा रेडी होने के लिए, पूजा करने के लिए, खाने से फ्री हो जाते हैं ना। एकदम पकौड़ी डाल के मैंने ये कढ़ी बना ली है। यहाँ पे मैंने चावल गलने के लिए रख दिए हैं, थोड़ी देर बाद मैं इसको भी बनने के लिए रख दूंगी। कढ़ी के साथ खाने के लिए पापड़ फ्राई कर लिए हैं। सो गाइस, अभी हम लोग गए हुए थे ऊपर चंद्रमा को, सॉरी सूरज को अर्घ देने के लिए। वहां से आने के बाद फिर मैंने जो बचा कुचा काम था ना किचन का, वो सारा निपटा दिया। एक तो पता है फास्ट रहता है ना, तो ज्यादा कुछ खिलता तो है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा तामझाम भी नहीं करती हूँ सच
बताऊँ ना, ज़्यादा कुछ मैं बनाती भी नहीं हूँ, जो चीज़ खिल जाए वैसी बनानी चाहिए और जितनी एनर्जी उतनी बनानी चाहिए। सो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, कढ़ी चावल पूड़ी बनेगी हमारी, पापड़ वगैरह जो है ना वो पापड़ वगैरह फ्राई किए हुए हैं, बस इतना ही बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली। मैं रेडी होने जाऊँगी क्योंकि अभी करनी है पूजा, और पूजा करने से पहले तो रेडी होना बनता है ना, और उसके बाद फिर हम करेंगे चांद की पूजा। और वो जो पीछे साड़ी रखी है, आज मैं उस साड़ी को पहनने वाली हूँ। मैंने आप लोगों को अभी तक दिखाया नहीं ना मैं क्या पहनने वाली हूँ। ये देखो मेरी साड़ी है जिसको मैं पहनने वाली हूँ। ये सेकंड, ये एकदम इतनी हैवी साड़ी है ना, ये मैं आज इसी को पहनने वाली हूँ। इसका लुक आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग जो है ना कल से चला आ रहा है, अभी तक एंड नहीं हुआ है। मैंने सोचा इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे जो वीडियो आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। सो बने रहिए ब्लॉग में, स्टे कनेक्टेड, और वीडियो पसंद आए तो लाइक।